नमस्कार, आप उत्तराखंड लेकर हाजिर हूं। मैं प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह राजपुर रोड स्थित आरटीओ कार्यालय पर छापा मारा। औचक निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने पाया कि आरटीओ कार्यालय में आम जनता अपने वाहनों से संबंधित कार्यों के लिए सुबह 9 बजे से मौजूद थी, लेकिन कार्यालय में कुछ कर्मचारियों को छोड़कर आरटीओ के मुख्य अधिकारी दिनेश चंद्र पिठोई और काफी कर्मचारी सुबह 10:30 बजे होने के बावजूद मौजूद नहीं थे। कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही देखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ दिनेश चंद्र पिठोई को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन सचिव अरविंद सिंह हयांकी को निर्देश देते हुए कहा कि जितने भी कर्मचारी समय होने के बावजूद उपस्थित नहीं है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। को ठीक प्रकार से सुविधाएं मिले, और जो हम लोगों ने हमारी सरकार ने जो तय किया है कि 10 बजे का टाइम है, 9:30 बजे का टाइम है, उस टाइम पर सभी कार्मिक अपने अपने दफ्तरों में पहुँचे। पिछले कुछ दिनों से यहाँ की शिकायत मिल रही थी कि इन दफ्तरों में लोग ठीक टाइम से नहीं आते, जबकि हमारे यहाँ पहले ही सबके लिए सर्कुलर जारी हो रखा है कि ठीक टाइम पर पहुँचे, और सभी जगह अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक कर दिया गया है। इसलिए आज मैं ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचा। जो भी कार्मिक वहाँ पर नजारत पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सर, चारधाम यात्रा अपने सुचारू रूप से चल रही है, कुछ मौसम विभाग की तरफ से सर येलो अलर्ट किया गया है, आपकी तरफ से सर सभी मतलब क्या निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को दिक्कत ना हो सर किसी चीज़ की? यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोग मौसम विभाग की जो भी सूचना आती है, मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी होती है, उसके आधार पर हम आगे भी उस पर करते हैं, और अपने जो आने वाले श्रद्धालु पर्यटक हैं उन सभी को इसकी सूचना दिलाकर सबकी यात्रा आसान हो, सरल हो, सुरक्षित हो, उसमें जो भी दिशा निर्देश। देखिए, चूँकि हमने सभी दफ्तरों के लिए कहा है कि प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं उनका किसी का 9:30 बजे किसी का 10 बजे का टाइम है, जो भी उस टाइम पर नहीं आ रहे तो हमने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। आज मैं आरटीओ में आया हूँ क्योंकि यहाँ से कुछ शिकायतें हमको मिल रही थी कि समय इस पर लोग नहीं पहुँच रहे, तो मैंने परिवहन सचिव और चीफ सेक्रेटरी दोनों को बताया कि जो नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई। तो टाइमिंग रही सब ठीक था, आगे तक कर्मचारी जो लोग नहीं आए दफ्तर उनका रजिस्टर ले लिया है, उसकी जाँच कर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी के नैनीताल रोड और नगर निगम के पास से निकलने वाली सिंचाई विभाग की नहर कवरिंग को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग समेत नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं निरीक्षण के दौरान ANB न्यूज ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से खास बातचीत की। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत आज हल्द्वानी की नहरों का निरीक्षण के द्वारा किया जा रहा है, और जो अधिकारी हैं संबंधित उनको निर्देशित किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है कुमाऊं कमिश्नर, उनसे बात करते हैं। सर, आज क्या वजह रही कि आप यहां पहुंचे हैं? और दो इम्पॉर्टेंट इंस्पेक्शंस आज हुए हैं। एक तो नगर निगम के बगल से जो नवाबी रोड को रास्ता जाता है उसकी कवरिंग हम इरीगेशन डिपार्टमेंट से करवा रहे हैं, जो कि 8 करोड़ का प्रोजेक्ट है। PWD इरीगेशन मिल के कर रहे हैं, और लगभग वो 700 मीटर्स में ये होगा जी। तो जो वहाँ पे जाम लगता है उसे निजात मिलेगी। दूसरा प्रोजेक्ट आपका ठंडी सड़क पे है, इसको भी प्राधिकरण करवा रहा है, जिला विकास प्राधिकरण, और इसमें दो काम होने हैं। एक तो सबसे पहले जो पानी नहर में आ रहा है ये डाइवर्ट होना है, और उसके बाद 1 किलोमीटर की लंबाई में लगभग 300 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस यहाँ पे क्रिएट होगी। अभी आप देख रहे हैं कि सारी गाड़ियाँ हमारी सड़क पे हैं जी, और ये वैसे भी एक बहुत अच्छा आउटिंग स्पॉट भी हल्द्वानी में बन गया है। यंगस्टर्स यहाँ पे आते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, खाने पीने की आउटरीज ईटरीज यहाँ पे हैं, उस लिहाज से भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें भी जल्दी काम करने के निर्देश दिए गए हैं। 27 तारीख से जो डाइवर्जन आपको पानी का करना है इरीगेशन डिपार्टमेंट को, उसका काम ये शुरू करेंगे, और 10-15 दिन और डाइवर्ट करने में लगेंगे, और तदुपरांत ये काम हम जल्दी से जल्दी पूरा करवाएंगे। सर, क्या ये वजह मानी जाए, क्योंकि हल्द्वानी की बात करें, कुमाऊं का मुख्य द्वार है, यहाँ से पूरा पर्यटन का जो है पूरा यहाँ से जाता है फ्लो, और कहीं ना कहीं स्थिति ख़राब है यहाँ की पर्यटन आपकी यहाँ पर, कहीं ना कहीं ट्रैफिक को लेकर के वो लगातार चीज़ें सारी आ रही है। कह रहे हैं आप, जो सीज़न में है वो तो दिक्कत आती ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत अधिक संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं, दिक्कत आ जाती है। पुराना शहर है और बहुत अच्छे तरीके से प्लान नहीं हो पाया, कि हल्द्वानी मास्टर प्लान अभी भी नहीं है, उसकी कोशिश चल रही है। सेकेंडली, आप ये भी जानते हैं कि एक्सपेंशन हल्द्वानी का बहुत तेज़ हो रहा है, और जो हमारे पहाड़ी जनपद है वहाँ से बहुत से बच्चे पढ़ने यहाँ पे आते हैं, काफ़ी सारे जो हमारे
रिटायर्ड लोग हैं वो भी यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, तो आबादी भी बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए पार्किंग की आवश्यकता तो काफ़ी जगहों पे है। सर एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि जो यहाँ पर अभी क्योंकि मानसून नहीं आया है और लगातार बारिश होने से यहाँ की जो नालियाँ हैं वो चौक हो जा रही हैं, अभी इंदिरानगर में यहाँ नाली चौक हो गई जिससे वहाँ लोगों का जो है कहीं ना कहीं कारोबार बर्बाद हो गया, इस तरह को लेकर से इस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए मैंने दो डायरेक्शन सभी DMs को दिए हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। सबसे पहला तो जितने भी कलवर्ट्स हैं जी उनको हम अभी से खोल दें, क्योंकि आप देखते होंगे जब बरसात आती है कलवर्ट अगर बंद रहे तो सारा पानी सड़कों पर आता है। सेकेंडली जो नाले हैं ये भी एक रेगुलर ड्रिल होती है कि जितने भी हमारे नाले हैं उसमें कोई भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है या अन्य चीज़ें हैं उन बरसात से पहले पहले उसको निकाल दें। ये डायरेक्शंस भी मैंने दिए हैं ताकि पानी सड़क पर ना आए। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि जो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत उनकी तरफ से साफ कहा गया कि लगातार यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को जाम से निजात मिलेगी और कहीं ना कहीं एक सहूलत मिलेगी यहाँ के पर्यटकों को। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, हल्द्वानी। देहरादून में जिला अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने देहरादून प्रेस क्लब का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि प्रेस क्लब के नए भवन निर्माण कार्यों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ प्रेस क्लब का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस क्लब के नए भवन निर्माण का शिलान्यास करने के साथ साथ ही 3 करोड़ के बजट की प्रस्तावना पर वर्ष 2018 के बजट सत्र में 1 करोड़ रुपए का बजट पास भी कर दिया था। बावजूद इसके प्रेस क्लब के नए भवन निर्माण का कार्य आज तक जस का तस पड़ा है, जिसके चलते जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को प्रेस क्लब के नए भवन निर्माण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल दून प्लस क्लब का निरीक्षण भी किया और एक तरीके से आपके आमंत्रण के दृष्टिगत भी यहाँ पे आया। आज कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे जिसकी वजह से कुछ साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था नए बिल्डिंग का, लेकिन कतिपय कारणों की वजह से कार्य शुरू नहीं हो पाया। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं आज हमने उसको रिजॉल्व कर लिया है और मैंने अंतवाल जी को भी, हलेडी जी को भी, बाकी पदाधिकारीगण जो हैं प्रेस क्लब के उनको भी मैंने आश्वस्त किया है कि प्रशासन की ओर से और स्मार्ट सिटी की ओर से कोई दिक्कत नहीं है काम शुरू कराने में, और जैसे ही फंड्स आपको रिलीज हो जाएंगे तो आप इमीडिएटली काम शुरू करा देंगे। और मैंने ADM साहब को भी उनसे भी अनुरोध किया है कि इसमें कोई फंड्स अगर आए हैं तो उसका भी परीक्षण कर लेंगे तत्काल दून प्रेस क्लब को। दरअसल प्रेस क्लब का बहुउद्देश्य भवन बनना था और ये 4 मंजिला भवन बनना है इसमें, तो ये प्रस्ताव बहुत लंबे समय से था। ये खंडूड़ी जी, कोश्यारी जी, तिवारी जी की सरकारों से होता हुआ ये त्रिवेंद्र सिंह सरकार के टाइम पर इसमें 1 करोड़ रुपया बजट प्रावधान भी किया गया। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब CM थे उन्होंने 30 मई 2017 को इसका बाकायदा शिलान्यास के पत्थर लगाया, लेकिन बीच में ये हुआ कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शायद ये हिस्सा भी आ रहा है, प्रभावित हो रहा है उससे, तो उस वजह से ये 4-5 साल करीब करीब होने जा रहे हैं, ये लिंगर ऑन हो गया, लंबा खींचा बन गया। तो अब चूंकि जब हमारी कार्यकारिणी आई तो हम लोगों का प्राथमिकता ये है कि हमने किसी भी तरह से ये काम जो रुका हुआ है इसको शुरू होना है। इसके लिए हम लोग कल बीच में CM साहब से मिले थे, कल चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले थे और उनको हमने पूरी वस्तु से अवगत कराया कि अब चूँकि स्मार्ट सिटी के उसमें भी ये नहीं आ रहा, दून लाइब्रेरी यहाँ बन गई है, तो इसका काम, इसकी जो बाधाएँ हैं वो तत्काल दूर करके इसका काम शुरू किया जाए। तो हम आभारी हैं चीफ साहब के, चीफ सेक्रेटरी साहब के, कि उन्होंने तत्काल इसका संज्ञान लिया और आज DM साहब से भी वार्ता हुई है संबंध में, DM साहब ने वार्ता को बुलाया था, उसके बाद उन्होंने खुद ही कहा कि मैं मौके पर निरीक्षण कर रहा हूँ, खुद मौका मुआयना करने आए थे और उनकी तरफ से ये क्लियर हो गया है कि चूँकि स्मार्ट सिटी का कोई दिक्कत नहीं है इसमें तत्काल काम शुरू कराया जाए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस साल ये काम हर हाल में, कम से कम हमारा टारगेट ये है कि दशहरे तक हम इसका पहला फ्लोर तैयार कराकर और मुख्यमंत्री के हाथों उसका उद्घाटन भी करा दें, ये हमारा पहला प्रयास है। उसमें कितना कामयाबी मिलती है देखते हैं, अगर कोई वो नहीं होता, कोई अड़चन आती तो। गदरपुर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सेविका मिनी कर्मचारी संगठन उत्तराखंड के बैनर तले उधम सिंह नगर जिला इकाई का गठन किया गया।
जिसके चलते आज कंबोज धर्मशाला में प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मनप्रीत कौर को संगठन की जिला अध्यक्ष, चंद्रा को जिला उपाध्यक्ष, शाहजहां को महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने कहा कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा दिया जा रहा मानदेय पर्याप्त नहीं है, उनको राजकीय कर्मचारी घोषित करना चाहिए। प्रदेश महामंत्री रंजीता अरोड़ा ने कहा कि कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, जिससे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिकारियों और प्रदेश सरकार से वार्ता की जा सके और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को हल किया जा सके। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ऑब्लिक सेविका ऑब्लिक मिनी कर्मचारी संगठन उधम सिंह नगर की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें जिला अध्यक्ष पद पे हमारी मनप्रीत कौर जी निर्विरोध चुनी गई हैं। महामंत्री कार्यकर्ती मनप्रीत कौर आज मुझे जिला अध्यक्ष बनाया। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में ग्रीन हिल्स संस्था द्वारा ग्राम पंचायत झड़गांव में डॉक्टर वसुधा पंत ने ग्रामीणों को बिच्छू घास के औषधीय और पोषक गुणों की ग्रामीणों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में बिच्छू घास से 30 और नए प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। उन्होंने बिच्छू घास को लेकर एक नई सफलता हासिल की है। वसुधा ने बिच्छू घास के औषधीय गुणों को देखते हुए 25 लजीज उत्पाद बनाए हैं। उन्होंने बताया कि बिच्छू घास का ख्याल आते ही पहाड़ के लोगों के जहन में उनकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। दरअसल बिच्छू घास से बचपन में बच्चों को डराया जाता था, पर किसी ने सोचा नहीं था कि इससे खाने वाले कई लजीज प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। डॉक्टर वसुधा पंत का रिसर्च पूरा होने के बाद उन्होंने इसके फूड प्रोडक्ट बनाने शुरू किए हैं। और पंडित गोविंद मल्लभ पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर और जीबी पंत पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल और ग्रीन हिल ट्रस्ट के द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम पहाड़ में चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो बिच्छू बूटी कहते हैं शिशुण, और अंग्रेजी में इसे नेटल बोलते हैं और गढ़वाल में इसको कंडाली बोलते हैं। तो हमारे द्वारा इससे जो उत्पाद हमारे रिसर्च के द्वारा जो उत्पाद हमने बनाए हैं, उन उत्पादों को कैसे बनाया गया है, कैसे उसका प्रयोग करना है, कैसे पहाड़ की बेरोजगारी और पलायन को रोका जाए, हमारी साइंटिस्ट सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर वसुधा पंत जी के दिशा निर्देश में मैं भूपेंद्र वल्दिया और हमारी टीम गांव-गांव हर ब्लॉक के दो दो गांव में जाकर के रोजगार संवर्धन और बिच्छू बूटी का डेली अपने जीवन में कैसे प्रयोग किया जा सकता है और कैसे स्वास्थ्य लाभ किया जा सकता है, इसमें हम अल्मोड़ा जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में जाकर के ये हम लोगों को बता रहे हैं कि जो हमारे आसपास कुदरत ने दी हुई एक अमूल्य बूटी है, जिसको हम संजीवनी बूटी भी कहें तो कम ही होगा, इसका हमने नाम दिया है शिशुण संजीवनी। ये शिशुण संजीवनी यदि इसका संवर्धन इसको लगाया जाए और इसका रोजगार किया जाए तो पहाड़ में एक रेगुलेशन एक क्रांति आ सकती है। पहाड़ में हर घर में रोजगार हो सकता है और उसका प्रयोग करने से किसी प्रकार की भी बीमारियाँ दूर हो सकती हैं। हमारी गाय का दूध बढ़ सकता है, हमारे खेत खलिहान की उत्पाद बढ़ सकता है, हमारे फल सब्जी जो भी हम लगाते हैं उसका उत्पादन जितना आज हो रहा है उससे कई गुना बढ़ जाता है। तो वही ज्ञान देने के लिए आज हम विगत 3 वर्षों से इसमें हम रिसर्च कर रहे थे। आज रिसर्च करने के बाद हमारी जब लैब से ग्रीन हिल्स ट्रस्ट के द्वारा जो शिशुण घास का बिच्छू बूटी जिसे बोलते हैं तो उसके बारे में जानकारी दी गई है और उसके बारे में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्राप्त होने के चांसेस हैं। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां पुलिस ने विगत 3 मई को डॉक्टर ईश्वर अग्रवाल के घर पर हुई चोरी का खुलासा करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले का खुलासा करते हुए SSP उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ TC ने बताया कि विगत 3 मई 2022 की रात में डॉक्टर ईश्वर अग्रवाल ने रात के समय अज्ञात चोरों द्वारा असलाह से लैस होकर घर के पीछे का दरवाजा तोड़कर बेखौफ होकर उनके घर में घुसकर अलमारी का लॉक तोड़कर चांदी के आभूषण बर्तन चोरी कर
लेने के संबंध में तहरीर दी थी, जिसके आधार पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया था। बदमाशों द्वारा असलाह से लैस होकर बेखौफ होकर उक्त वारदात को अंजाम देने के कारण वादी और आसपास के लोगों में काफी रोष और भय का वातावरण था। तीन मई और चार मई की मध्य रात्रि में जो एक संगीन वारदात प्रकाश में आई थी, जिसमें आईटीआई थाना क्षेत्र में श्री पैग्या जी का जो पुश्तैनी मकान है, तो वो बहुत बड़ा मकान में कुछ अज्ञात व्यक्तिगण द्वारा असलाहों से लैस होकर, मतलब कट्टा और ऐसे असलाहों को लेकर उनके घर में मतलब नकबजनी किया गया था। नकबजनी करके भारी मात्रा में संपत्ति ले गए थे। तो अच्छी बात यह रही कि वहाँ पे कोई डैमेज नहीं हुआ था, लाइफ को और क्या बोलते हैं, बॉडी को कोई डैमेज नहीं हुआ था। पर इतना संगीन घटना को सीरियसनेस से लेते हुए मैंने एक स्पेशल टीम बनाया था सीओ के नेतृत्व में, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, और आप ऐसे एसओजी इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, पैगा सब ने मिलकर एक विशेष टीम गया था कि त्वरित अनावरण के लिए। इस टीम ने मोर देन 300 कैमरास देखा है और टेक्निकल और मैनुअल के आधार पर लगातार कम से कम 15 दिन मेहनत किया है। तो इसी का फल है, इसी का नतीजा है कि एक अच्छी सफलता मिली है। आज इसका चारों अभियुक्त जो है अरेस्ट हो गया है। आप देखेंगे चारों के चारों अभियुक्त जो है विभिन्न जेलों में रहे हैं और कई सारे संगीन धाराओं में, लूट, डकैती, आपका गैंगस्टर एक्ट में अलग अलग जेलों में रहे हैं। ये लोग आपस में जेलों में मिले और इसमें से मुख्य अभियुक्त जो है छुट्टन और चंद्रपाल यहीं पे काम करते रहे, छोटे मोटे काम भी करते रहे। तो इन्होंने टारगेट्स आइडेंटिफाई किया था और नया गैंग बना के एक वारदात को अंजाम दिया था। आज इन सारों लोगों का अरेस्टिंग हो चुका है और इसमें एक और नाम शामिल आया है, खैरुल करके, वो बंगाल का रहने वाला है, उसको भी वांटेड किया जा रहा है और उसका भी। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार सिंगड़ी के अंतर्गत सिडकुल में स्थापित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के उद्योगपतियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय दवाओं, युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिए जाने की बात उद्योगपतियों से कही, साथ ही श्रमिक कानून का उल्लंघन न करने के सख्त निर्देश भी दिए। कोटद्वार में तीन इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और हर एक इंडस्ट्रियल एरिया के अपने अपने इश्यूज हैं। तो आज मैं यहाँ और यहाँ पे जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं छोटे बड़े, सबसे मैंने मुलाकात की और उनकी समस्या भी जो भी हमारे सरकार से या शासन से या डिपार्टमेंट से जो है उनके बारे में हमने सुना। बहुत जटिल या बड़ी समस्याएं नहीं है, सॉर्ट आउट हो सकती हैं। मेंटेनेंस की समस्या है, पानी की समस्या है, कैमराज की समस्या है, तो कोई बहुत जटिल समस्या ऐसी नहीं है। तो इसलिए इनके साथ मैं बैठी हूँ ताकि दोनों तरफ से, उनकी तरफ से भी हमारे जो वहाँ पर काम करते हैं बच्चे, जो वर्कर्स हैं, उनको अच्छी सुविधा मिले और हम अपने इंडस्ट्रीज को सुविधा दे पाएँ। उनके लिए उत्तराखंड में कोटद्वार में बाजपुर कोतवाली में एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर दो युवकों पर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है। इस दौरान पीड़ित पिता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं तहरीर देने गए पीड़ित पक्ष के साथ पुलिस की गहमागहमी देखने को मिली। बता दें बाजपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री उसकी किराने की दुकान पर बैठती थी, जहां उत्तर प्रदेश के थाना भोजपुर निवासी एक युवक आए दिन आता था और उसकी पुत्री के साथ बात करता था, जहां युवक ने उसकी पुत्री को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और बहला फुसला कर एक खाली गोदाम में ले गया, जहां युवक ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित पिता ने बताया कि उक्त युवकों द्वारा ब्लैकमेल कर लगातार उसकी पुत्री के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया और किसी को बताने से परिवार वालों को जान से मारने की भी धमकी दी। इस दौरान पीड़ित पिता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं कोतवाली में तहरीर देने गए पीड़ित पक्ष के साथ कोतवाली में तैनात एसआई भगवान गिरी गोस्वामी की तीखी नोकझोंक हुई।
वहीं नाबालिग ने कहा कि वह पुलिस से कार्रवाई की मांग करती है। सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। मेरे साथ बलात्कार हुआ था, बहुत ज़्यादा मुझे ब्लैकमेल करा गया था। भोजपुर पीपल थाने का लड़का है, दोनों साले भिनोई मिले हुए हैं इन सब चीज़ों में। मुझे इनका भिनोई लेके जाता था, फंसा के बहरा फुसला के ये शादी करेगा और गोदाम पे ले जाकर मुझे छोड़ देता था कि और वहाँ से चला जाता था कि मुझे छोड़ के, और वो मुझे बुला के 3-4 घंटे अपने पास रख के ज़बरदस्ती मेरे साथ जो करना था सब वो करके मुझे छोड़ के चला जाता था कि बड़े। एक दिन जब मैंने इससे मना करी तो कि मुझे धमकी दिया था कि तेरे माँ बाप को मैं मार दूँगा या तेरे घर वालों को मार दूँगा। मैं भोजपुर का बहुत बड़ा वाला बदमाश हूँ, मुझ पर पहले के केस चल रहे हैं, और मैं तुझे भी नहीं छोड़ूँगा और ना मैं तेरे घर वालों को छोड़ूँगा। मैं तुझसे शादी करूँगा बट कुछ हंगामा होने दे, जब करूँगा। बट जब दूसरे दिन को पता चली कि हमारी मम्मी पापा को बात तो इससे निकाह की बात करी तो इसने मना कर दी कि नहीं मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बीवी बच्चे हैं और अब मैं जहर खा के मरना पसंद कर लूँगी। इस आदमी के साथ मुझे रहना तो बहुत दूर की बात, समझ भी नहीं सकती। मुझे इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए इससे। मैं ये मांग करती हूँ पुलिस से, ये दोनों जो आरोपी हैं अजीम और साकिर अली, मैं इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती हूँ। ये मुड़ियाकला का मामला है, इसमें एक व्यक्ति द्वारा ये तहरीर दी गई है कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले दो लड़कों ने बलात्कार किया है और बार बार बलात्कार करने के बाद जान से मारने की धमकी और अन्य तरीके से धमकाया गया है। तो इसमें हमने तहरीर प्राप्त कर ली है और मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। और खबर पौड़ी से है, जहां भारी बारिश के कारण देघाट गढ़घाट जगतपुरी यानी कि पौड़ी गढ़वाल के चौथान से जोड़ने वाला मुख्य मोटर मार्ग घटगाड़ और सुरमोली के बीच पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और इस मार्ग पर आवाजाही पूर्ण रूप से बंद है। तो वहीं जब तक वैकल्पिक मार्ग नहीं बन जाता तब तक इस मार्ग पर बिना स्थानीय लोगों से जानकारी लिए यात्रा करने में खतरा बना हुआ है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत आज पहली बार हल्द्वानी पहुंचे, जहां पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। शिशुपाल रावत ने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण संगठन का कमजोर होना रहा, जिस वजह से हम प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाए, जिसके बाद अब एक बार फिर से पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि अरविंद केजरीवाल की नीतियों और दिल्ली मॉडल को जनता के बीच ले जाएं। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि इन दोनों पार्टियों ने आज तक प्रदेश का कोई विकास नहीं किया बल्कि केवल प्रदेश को लूटा है। देखिए, पहले तो जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में प्रत्येक चुनाव को लड़ेगी। और इसी संदर्भ में पहली बार उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ा। हमारे पास संगठन की वो ताकत नहीं थी जो कई साल पुराने दोनों पार्टियाँ हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो केजरीवाल जी की नीतियां हैं काम करने की, ईमानदार सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी पर, उसको लोगों ने सराहा है। और सराहते हुए जैसे पंजाब में पहले 22 सीटें दी थी, लेकिन इस बार जो है 92 सीट दे करके एक ऐतिहासिक बहुमत दिया है और हम वहां पर अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से उत्तराखंड में भी जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में चूर है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चार धाम यात्रा की बात हो, ये लोग कहीं पर भी जो है अपने वादों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। उस बात को हमारे कार्यकर्ता सब मिलजुल करके केजरीवाल जी की नीतियों को और जनमानस की जन सेवा के लिए जो हमारा है कि हम भाई व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम। चारधाम यात्रा के बाद अब श्री हेमकुंड साहिब धाम में भी प्रतिदिन निर्धारित श्रद्धालुओं को दर्शनों का मौका मिलेगा। सरकार से विचार विमर्श के बाद
गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है। प्रतिदिन 5000 श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की गई है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि चार धाम यात्रा की तरह पांच के धाम के रूप में विकसित श्री हेमकुंड साहिब धाम में भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसलिए श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और व्यवस्थाएं मिले, इसके लिए धाम में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी गई है। इस संबंध में सरकार से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया गया है। श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से पंजीकरण कराने के बाद यात्रा मार्ग पर रवाना हो सकते हैं। जो श्रद्धालु बिना पंजीकरण के ऋषिकेश पहुंचेंगे, वह गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब परिसर में लगे काउंटर पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी साहबान, सभी धार्मिक संस्थाओं के मुखी एवं सरकारी मंत्री 19 मई को ऋषिकेश से यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने आपस में मिल बैठकर ये फैसला किया है कि प्रतिदिन 5000 व्यक्ति श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन दीदारे कर सकते हैं। चारधाम की यात्रा भी पूरे जोरों शोरों से चल रही है और सरकार द्वारा दो ऐप बनाए गए हैं जिन पे आप लोग जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ई पास ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और रजिस्ट्रेशन touristcare.uk.gov.in ये आपने लोड करना है और उस पे अपनी जानकारी देना। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।